हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में कुछ इस प्रकार की इंटरेस्टिंग फोटो एडिटिंग करना सीखेंगे, वो भी स्नैपसीड ऐप की मदद से। अगर आप भी ऐसी फोटो एडिटिंग करने में इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। वह चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें व बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसे ही फोटो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिना समय को वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सब पढ़ते अपने गैलरी से सिंपल से ओरिजिनल पिक को ओपन कर लेना है। आप देख सकते हो दोस्तों कुछ इस प्रकार से, ये है अपना सिंपल से ओरिजिनल पिक, जिसे अपना आज की इस वीडियो में कुछ इस प्रकार से HD क्वालिटी में इंस्टाग्राम वायरल फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। आप देख सकते हो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आज की इस वीडियो में फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। अगर आप भी ऐसी फोटो एडिटिंग करना चाहते हो तो अपने सिंपल से ओरिजिनल पिक को, जिस पिक को दोस्तों आप एडिट करना चाहते हो, उसे शेयर करके ओपन कर लेना है स्नैपसीड ऐप के अंदर। स्नैपसीड ऐप दोस्तों प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहां से जाके इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। फिर दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का स्नैपसीड ऐप के अंदर इंटरफेस खुलकर नजर आएगा। सिंपली से दोस्तों आपको राइट साइड से सेकेंड नंबर ऑप्शन पेंसिल वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा विंटेज का। सिंपली से दोस्तों आपको इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक तरफ से 12th नंबर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको सेकेंड नंबर ऑप्शन मिल जाएगा सेचुरेशन का। इसे दोस्तों आपको फुल्ली डिक्रीज करते हुए कुछ इस प्रकार से 100 रख लेना है। फिर दोस्तों आपको स्टाइल स्ट्रेंथ को कुछ इस प्रकार से 20 रहने देना है, तथा विग्नेट स्ट्रेंथ को दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से 30 रहने देना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नीचे की तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको राइट साइड से ऊपर की तरफ से 3rd नंबर ऑप्शन एडिट स्टैक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको व्यू एडिट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है, विंटेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ब्रश वाला आइकन को सेलेक्ट कर देना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको लेफ्ट साइड से 2nd नंबर ऑप्शन इनवाइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको नीचे एक तरफ विंटेज के अमाउंट को कुछ इस प्रकार से 0 रख लेना है। फिर दोस्तों आपको अपनी फोटो कुछ इस प्रकार से जूम करना है, तथा जो दोस्तों विंटेज की वजह से जो ब्लैकनेस आई है उसे दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको अपने फोटो से क्लीन कर देना है। केवल दोस्तों आपको इसे अपने बैकग्राउंड में रहने देना है। कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको ब्रश चलाना है, तथा विंटेज की वजह से आई ब्लैकनेस को दोस्तों आपको अपने फोटो से आपको हटा लेना है। चलिए दोस्तों मैं कुछ इस प्रकार से ब्रश चलाते हुए इसे हटा लेता हूँ। फिर दोस्तों मैं आपको आगे का ट्यूटोरियल बताता हूँ। आप भी कुछ इस प्रकार से ब्रश चलाते हुए इसे कुछ इस प्रकार से हटा लीजिए। कुछ इस प्रकार से ब्रश चला लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका बैकग्राउंड ब्लैक हो चुका है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से नीचे एक तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको लेफ्ट साइड से ऊपर की तरफ एरो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से वापस से पेंसिल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक तरफ स्क्रॉल करना है। आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा लेंस ब्लर का। सिंपली से दोस्तों आपको लेंस ब्लर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको इसके सर्कल को कुछ इस प्रकार से आपको छोटा कर लेना है। फिर दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से ट्रांजेक्शन को दोस्तों आपको डिक्रीज करते हुए कुछ इस प्रकार से 0 रख लेना है, तथा दोस्तों आपको विग्नेट स्ट्रेंथ को कुछ इस प्रकार से 25 के अराउंड रख लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको वापस से राइट साइड से ऊपर की तरफ से 3rd नंबर ऑप्शन एडिट स्टैक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको व्यू एडिट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है, लेंस ब्लर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ब्रश वाला आइकन को सेलेक्ट कर देना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको लेफ्ट साइड से 2nd नंबर ऑप्शन इनवाइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तथा दोस्तों आपको नीचे एक तरफ से लेंस ब्लर के अमाउंट को कुछ इस प्रकार से 0 रख लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से आपको अपने बैकग्राउंड को ही ब्लर करना है। अपने फोटो से कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको ब्लरनेस को दोस्तों आपको ब्रश चलाते हुए कुछ इस प्रकार से क्लीन कर देना है। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दे, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और हाँ, अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे दोस्तों आपको प्रीसेट PNG एंड बैकग्राउंड का स्टॉक फ्री में डाउनलोड किए हुए मिल जाएंगे। जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको ब्रश चलाना है, तथा दोस्तों अपने फोटो से आपको ब्लरनेस को दोस्तों आपको हटा लेना है। चलिए दोस्तों मैं कुछ इस प्रकार से इस ब्लरनेस को भी हटा लेता हूँ।
कुछ इस प्रकार से कर लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से नीचे की तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको लेफ्ट साइड से ऊपर की तरफ एरो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से वापस से पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको इसके अंदर ऊपर की तरफ एक ऑप्शन मिल जाएगा सेलेक्टिव का, सिंपली से इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से अपने फेस एंड स्किन को दोस्तों आपको सिलेक्ट करना है तथा दोस्तों आपको ब्राइटनेस को कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर लेना है, सेचुरेशन को डिक्रीज कर लेना तथा दोस्तों आपको स्ट्रक्चर को कुछ इस प्रकार से डिक्रीज कर लेना है। इस प्रकार से दोस्तों आप सिलेक्टिव टूल के माध्यम से अपने फेस एंड स्किन को दोस्तों आसानी से गोरा कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, केवल दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से सर्कल बनाना है, ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेना है, सेचुरेशन को डिक्रीज कर लेना तथा स्ट्रक्चर को भी डिक्रीज कर लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से नीचे एक तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको वापस से पेंसिल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको इसके अंदर नीचे एक तरफ स्क्रॉल करना है, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पोर्ट्रेट का, सिंपली से इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक तरफ समूह 2 को सिलेक्ट कर देना है। फिर दोस्तों आपको फेस स्पॉटलाइट को कुछ इस प्रकार से इंक्रीज करना है तथा इसे दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से 10 रख लेना है। फिर दोस्तों आपको नीचे एक तरफ स्किन स्मूथिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे फुली इंक्रीज करते हुए कुछ इस प्रकार से 100 रख लेना है। फिर दोस्तों आपको आई क्लियरिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से 20 रख लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको वापस से पेंसिल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्रश का, सिंपली से इसके ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको नीचे एक तरफ से फोर्थ नंबर ऑप्शन सेचुरेशन का ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके अमाउंट को नीचे एक तरफ से सेचुरेशन के अमाउंट को 10 रख लेना है। फिर दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से अपने फोटो को जूम करना है तथा आपको अपने लिप्स पर कुछ इस प्रकार से लिपस्टिक दोस्तों आपको ब्रश चलाते हुए अप्लाई कर देना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से कुछ इस प्रकार से नीचे एक तरफ राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको वापस से पेंसिल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको नीचे एक तरफ स्क्रॉल करना है, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डबल एक्सपोजर का, सिंपली से दोस्तों आपको इसके ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको नीचे एक तरफ से फर्स्ट नंबर ऑप्शन गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों जो मैं PNG यूज करूंगा वो सब दोस्तों आपको मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर देना है। फिर दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से इस PNG को ऐड कर लेना है प्रोफाइल PNG को। फिर दोस्तों आपको नीचे एक तरफ से मिडल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसे दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से लाइटन कर लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आप यह देख सकते हो कुछ इस प्रकार से सेट हो चुका है। फिर दोस्तों आपको राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको वापस से पेंसिल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको वापस से नीचे एक तरफ डबल एक्सपोजर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको लाइक वाले PNG को दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से ऐड कर लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आपको अपने हिसाब से स्पेस देकर इसे सेट कर लेना है तथा इसे दोस्तों आपको मिडल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको इसको भी लाइटन कर लेना है। इस प्रकार से कर लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो ये भी कुछ इस प्रकार से सेट हो चुका है। फिर दोस्तों आपको राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको वापस से पेंसिल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको डबल एक्सपोजर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको नीचे की तरफ से गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों आपको लाइट PNG को दोस्तों आपको अपने गैलरी से दोस्तों आपको ऐड कर लेना है। कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको ऐड कर लेने के बाद दोस्तों आपको वापस से मिडल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है तथा दोस्तों आपको इसे कुछ इस प्रकार से ऐड कर लेना है। ऐसा कर लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लाइट आपके ऐड हो चुकी है। फिर दोस्तों आपको राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से पहले फोटो दोस्तों आपका कुछ इस प्रकार से था, अब दोस्तों कुछ इस प्रकार से HD क्वालिटी में इंस्टाग्राम वायरल फोटो एडिटिंग हो चुका है। सो दोस्तों आज की फोटो एडिटिंग में बस इतना ही। इसे HD क्वालिटी में सेव करने के लिए दोस्तों आपको सिंपली से ऊपर की तरफ शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिससे दोस्तों आपका फोटो HD क्वालिटी में सेव हो जाएगा। सो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। जल्द मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।